बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपसे चिकन कौरमे की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इसके लिए कुछ चीज़ें जो है वो मैंने पहले से रेडी करके रख ली हैं। चिकन को भी धो के रख लिया है। आज ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे हम इसको। इसका जल्दी बन जाता है और इजीली बन जाता है। इसके लिए पहले मैंने पानी डाला थोड़ा सा, फिर इसमें चिकन को डाला। इसके बाद कटिंग किया हुआ प्याज, फिर टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा कम लग रहा था इसलिए थोड़ा सा और ऐड किया। इसके बाद नमक, मिर्च कुटी कुटी हुई और साथ में थोड़ी सी हल्दी, और फिर इन सब चीज़ों को डालकर मैंने थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए ढक दिया ताकि चिकन हमारा जो है वो टेंडर हो जाए। अभी हमारा शुरू हो गया बॉयल होना। अभी इसमें पानी है, थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए। टमाटर गल गए हैं, प्याज भी अच्छी तरह से गल गया है। खुश्क हो गया है, अब इसमें ऑयल शामिल करेंगे। तो बस मिर्चें फिर थोड़ी सी मैंने काट कर रखी थी, फिर इनको थोड़ा कूट लिया, वो ऐड करेंगे। अब इसको तकरीबन 5-10 मिनट के लिए चिकन को भूनेंगे। थोड़ा सा साबुत धनिया पिसा हुआ ऐड किया और अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें। इसके बाद इसको कवर कर देंगे। गरम मसाला कुटा हुआ, हरा धनिया डालकर 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। कोरमा हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया। कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।